महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राजद, और राजद आपसी क्लेश से इतना जूझ रहा बड़ू कि वो काक केहू के करी कुछ। दोनों भाई एक दूसरा के साथ सह और मात के खेल खेलत रहन। ऐसन में इस संभव नहीं है कि बिहार के जनता वो लोग के साथे होके सब कुछ खुल के बहुत जल्दी सामने आ जाए और राजद कई फाड़ में बंट जाए। नमस्कार, स्वागत करो वालों के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। ये बात कहे के पीछे बहुत बड़ा कारण बढ़ गया, और कारण ये बा कि लगातार राजद के दोनों युवराज तेज प्रताप और तेजस्वी, हालांकि काम तो अलग अलग देखा था लोग, लेकिन उनका विरोधी के कहना बढ़ू है कि दोनों भाई एक दूसरा के मात देवे में, एक दूसरा के बतकटी में लागल बढ़े और एक दूसरा से बड़ा शो करे में लागल बढ़े। हालांकि तेज प्रताप बड़ा बढ़े, लेकिन वो उनका के हरावे खातिर तेजस्वी लगातार लागल बढ़े। ये बात दिगर बढ़ू है कि तेज प्रताप यादव सीधा साधा बढ़न और तेजस्वी पूरा घुमा के उनका के उनका हक अधिकार हुकूमत के सबके अपना कब्जा में कल चाहता रहे, उनका के कद उनका पद के संकुचित कल चाहता रहे। वो चाहता रहे कि राजद में पूरा आधिपत्य तेजस्वी के ही होके। तेज प्रताप यादव मेहनत बहुत करता रहे और जनता से डायरेक्ट कनेक्ट में बाड़े। वो ये तेजस्वी यादव ऊपर ऊपर राजनीति के छाली चाटता रहे। ये बात शुरुआत कैले बाड़े जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह। संजय सिंह ये बात के लेके बहुत तरह के बात कहले बाड़े, ट्वीट के माध्यम से भी और मीडिया के सामने बयान में भी। उनका पर पिटिया ठोक भाजपा भी दोनों भाई के संबंध और यात्रा जो हो रहा बड़ू ओकरा पर तंज कसले बाड़े। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से बहुत तरह के बयान आयल बड़ू है। युवा होके के नाते भारतीय जनता पार्टी के युवा यूथ के अध्यक्ष बिहार के नितिन नवीन भी इस बात के लेके और दोनों भाई के संबंध के लेके बहुत कुछ कहले बड़े। नितिन नवीन तो यहाँ तक ले कहले हा कि वो मंत्री रहे हा, बहुत कुछ रहे हा, और झूठो मूठ के अब आरक्षण और संविधान बचाओ के नौटंकी काहे खातिर करता रहे। उनका के रोक रहा, कई विभाग के मंत्री रहे हा, काहे ना वो प्रगति कैले, काहे ना युवा के उघरी सोच ले। अब जब सत्ता में से हटल बड़े तो उनका याद आतर हुए युवा, इस सब नौटंकी और ड्रामा हुए चुनाव में लोग के प्रभावित करे खातिर, ये सब ड्रामा हो रहा बड़ू है। जौन संविधान के हनन हो रहा बड़ू है और संवैधानिक संस्था के प्रति ये लोग के जौन सोच बा वो सामने खुल के आ गई बड़ू है। इस सब बात के लेके अब बिहार के राजनीति में युवा लोग के आपसी उठा पटक शुरू हो गई बड़ू है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के होके, जदयू के होके, या फिर राजद के होके, कांग्रेस के होके। जदयू के युवा जदयू बिहार के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता जौन बाड़न ओम प्रकाश सिंह सेतु, वो भी कहले बाड़े कि अब कितनो ये लोग छटपटा लेव राजद के दोनों भाई मिलके, अब जनता ये लोग के खास करके युवा ये लोग के साथे जाए के तैयार नहीं है। युवा ये लोग के नकार दिले बड़ू है और अब युवा जौन बाड़े वो जदयू के साथे बाड़े और वो लोग के ये बात के भरोसा बढ़ू है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में युवा लोग के पूरा सम्मान मिली। युवा लोग खातिर बहुत सारा योजना लागू कर नीतीश कुमार जी जन के लाभ सब लोग उठा रहा बड़ू है। इस सब बात के लेके अभी तक ले राजद के तरफ से पर प्रतिक्रिया नहीं खाई, लेकिन तेजस्वी यादव के यात्रा के लेके, संविधान बचाओ यात्रा और आरक्षण बचाओ यात्रा के लेकर के, आरक्षण बढ़ावे वाला यात्रा के लेकर के खूब जम के उनका पर हमला हो रहा बड़ू है। और ये बात कहल जा रहा बड़ू है कि तेज प्रताप यादव जो यात्रा पर निकल रहा है ओकरा के काटे खातिर तेजस्वी यादव अपन यात्रा शुरू कैले है। बात का बड़ू है ये तो समय बताई और आवे वाला चुनाव के लेके जे कुछ भी हो रहा बड़ू है, सारा प्रपंच और सारा खेल, सारा नौटंकी और ड्रामा, या कहीं फिर जनता के पास जाए वाला जितना भी बात हो रहा बड़ू है, इसमें हर दल आपन आपन बात रख रहा बड़ू है और एक दूसरा पर नौटंकी और ड्रामा के बात कह रहा बड़ू है।
जुड़े रही सब न्यूज बिहार और भारत लाइव के साथ, फिर कोनो खबर लेकर वो लोग के सामने हाजिर होकर, तब तक खातिर गोर लागत नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।